हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में एक एथनिक वेयर हॉल शेयर करने वाली हूं मैं आप लोगों के साथ में। बिकॉज़ अभी करवा चौथ, दिवाली, फिर वेडिंग सीजन सब कुछ आने वाला है, तो सब में आपको इस टाइप के कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सी ड्रेसिंग जो मैं पहनती हूँ जिस टाइप के, वो सारे मैंने ऑर्डर किए थे, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ठीक ठाक रेंज में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पसंद है इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो स्टार्ट करते हैं एक ये पिंक क्रॉप टॉप से। बहुत ही सुंदर है ये, ऑर्गेन्जा मटेरियल में है ये। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है। इसमें ना यहाँ पर आगे आपको इस तरीके का ऑर्गेन्जा का ही फ्रिल बनाया हुआ है, केप जैसा बनाया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्रॉप टॉप है तो आप इसको और भी कई तरीक़ों से, सारे ही ड्रेसेस की ये खास बात है कि उनका जो टॉप्स है ना, उनको आप एज अ ब्लाउज भी डिफरेंट साड़ीज वगैरह के साथ में स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का आता है फ्रिल, तो इसमें आपको अलग से दुपट्टा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ट्राई ऑन में देख लेना, यहाँ पर लगा दूंगी मैं, तो अच्छा लगता है। तो ये है इस तरीके से, और इसमें ना पीछे पूरी जिप दी हुई है, ये देखिए नीचे से। तो इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जब आप इसे पहनते हो ना, तो बंद करने के लिए ये इस तरीके से, जैसे साइड में जिप रहती है तो थोड़ा लूज़ हो जाता है, ये यहाँ से पूरा निकल जाता है और फिर उसके बाद आपको बंद करना पड़ता है। तो अकेले बंद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा है ये। और हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे इसमें ये भी लगती है कि इसमें ना जो इसका नेक है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो अगर आप डीप नेक पहनने में कंफर्टेबल है तब तो ठीक है, बट अगर आप मेरे जैसे हैं तो ये थोड़ा सा बहुत सुंदर लग रहा था ये, लेकिन बस इसमें एक ही फ्लॉ मुझे जो लगा वो ये कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डीप था, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। बाकी ये लग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। इसके साथ में ना इस तरीके की स्कर्ट आती है जो यहाँ से बांधने का भी है और इसमें जिप भी है, ये भी ऑर्गेन्जा मटेरियल में ही है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट था ये और सुंदर तो था ही। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से ये लगे टैजल्स लगे हुए हैं और साइड में बांधने का भी है और पूरा फिटेड आता है, इसमें आपको कुछ नहीं कराना है। तो ये देखिए इस तरीके से, इसमें काफ़ी अच्छा घेर भी है और बहुत ही अच्छा है, तो मतलब अच्छा लगा मुझे। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये, मेरे ख्याल से 2 से 2500 के बीच का इसका प्राइस है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। तो ये एक पीस है जो कि आप ले सकते हो, फेस्टिव के हिसाब से काफ़ी दिवाली वगैरह पे पहनोगे तो अच्छा लगेगा, आप पहन सकते हो। और वैसे भी अगर जैसे कॉकटेल पार्टीज़ है ना, तो उसमें बहुत ही सुपर्ब लगेगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट मुझे इसको इसलिए रिटर्न करना है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नेक है, तो अगर आपके पास इसमें कुछ ऑल्टरनेट आप कर सकते हो तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई, मतलब इतनी प्राइस में इतना अच्छा पीस मिलना बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इनमें से जो भी चीज़ों के, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा हो, तो उन सब के लिंक्स जो है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट करके अपनी साइज़ और अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ें परचेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ आपको वो है ये वाला ड्रेस। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही मस्त है, डिफरेंट सा है, थोड़ा यूनिक सा इसका डिज़ाइन है। तो इसमें भी आपको क्रॉप टॉप मिल जाता है जो कि ये है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इसका क्रॉप टॉप है, लेकिन लग बहुत अच्छा रहता, तो आप देख सकते हो उसको भी। तो ये देखिए, ये इसका क्रॉप टॉप है, ये यहाँ से, ये थोड़ा ब्राइट पिंक आपको वीडियो में लग रहा है, बट ये बहुत सटल पिंक है, ना डल है ना बहुत ज़्यादा चमक रहा है जैसे कि वीडियो में बहुत ज़्यादा चमक रहा है, लेकिन असली में ऐसा नहीं है। तो नीचे यहाँ पर इस तरीके का ये फ्रिल है, ये आई थिंक जॉर्जेट मटेरियल है ये, तो ये उसी टाइप का है, तो ये नीचे इस तरीके से इसमें फ्रिल दिया हुआ है। तो इसमें ना बहुत, जैसे मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट 5'1" है, तो जिनकी भी उससे ज़्यादा हो तो ये आपका टमी एरिया थोड़ा सा यहाँ से शो होगा, लेकिन जैसे मेरा है ना, तो मेरा ये पूरा कवर हो जा रहा था, कुछ भी शो नहीं हो रहा था, तो मुझे तो वही कंफर्टेबल लग रहा था कि कुछ भी ना शो हो, क्योंकि अभी मेरा जो टमी एरिया है वो बहुत ज़्यादा अभी फ्लॉन्ट करने जैसा नहीं है, तो ये कवर हो जा रहा था। लेकिन आपकी हाइट अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा वहाँ से शो होगा, क्रॉप टॉप जैसा फील देगा। ठीक है, आगे से यहाँ पर ये देखिए डिटेलिंग है पूरी, ये मोती लगे हुए हैं, पर्ल की डिटेलिंग है पूरा ऐसे, और वी नेक है तो वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है, अच्छा लग रहा था मुझे। एंड देन फिर यहाँ से तो ये स्लीवलेस ही है, और यहाँ इसमें साइड में जिप दी हुई है ये यहाँ से, तो
आराम से फिटिंग वाइज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ रही थी। ठीक है, तो ये इस तरीके का है, प्लेन है, प्रिंटेड, इसमें कहीं कुछ कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, पूरा प्रिंटेड है। और ये जैसे चुनरी वाला कपड़ा नहीं आता है वैसा, मतलब उस टाइप का कपड़ा जॉर्जेट है आई थिंक, तो वैसा ही है। तो अच्छा है, लाइट है, कंफर्टेबल है पहनने में। तो ये इसका क्रॉप टॉप हो गया, एंड देन फिर इसमें इस तरीके का आपको शरारा जैसा मिलता है, नीचे काफ़ी अच्छा घेर है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रिल लगी हुई है नीज़ के आसपास, कहीं नीज़ थाइज़ के आसपास, और साइड में इस तरीके से चेन है। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है, ये इसमें इस तरीके का फ्रिल वाला दुपट्टा अटैच हो गया है इस तरीके से, तो ये यहाँ से इस तरीके से करके, और फिर यहाँ पर ऑलरेडी ये फिर से प्री स्टिच्ड है, तो ये आपके शोल्डर पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगेगा ऐसे पहनने पे, ऐसे आएगा ये ऐसे। इसके साथ में ना आपको यहाँ पर बेल्ट भी बांधने को मिलती है, जो आपके टमी एरिया पे आप बांध सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी लगेगी, आप देख ही सकते हो। और ये ना आप किसी और भी ड्रेस के साथ में बहुत ही अच्छे से पेयर अप कर सकते हो, तो अच्छा है ये बेल्ट भी। और इसके साथ में यहाँ पर इस तरीके का टैसल भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है। तो थोड़ी यूनिक सी ये ड्रेस है, अगर आपको अपने मतलब संगीत वगैरह या कुछ है तो उस टाइप के ओकेजन्स पे आप इस ड्रेस को पहन सकते हो। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई था, तो ये मुझे 5500 का मिला आफ्टर डिस्काउंट, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट फील और कलर बहुत अच्छा है। आप इसे अपनी विशलिस्ट में डाल सकते हो, जब डिस्काउंट आए तो आप इसको परचेज कर सकते हो। अच्छा लग रहा था ये। फिर एक और ये बहुत ही एलिगेंट सा ड्रेस है, जो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ आपको ट्राई ऑन ज़रूर मिल जाएगा। तो उसमें ना ये कुछ इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट में मैंने ये स्कर्ट मंगाया है, तो ये इस तरीके का है। आगे से इसमें भी इस वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इलास्टिक दिया हुआ है पीछे से, सॉरी, और आगे से इस तरीके का प्लेन है। ठीक है, और बहुत ही घेर वाला प्लेन ही है ये ड्रेस जो है ना, वो काफ़ी प्लेन है। ए लाइन का पूरा स्कर्ट है ये इस तरीके से, और बहुत ही थिक कपड़ा है, आई थिंक रेयन है ये। और इसमें कोई अस्तर वगैरह नहीं दिया, लेकिन इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि काफ़ी मोटा वाला जो कपड़ा आता है ना रेयन का, वो है ये। तो ये आप ऐसे कैजुअल पार्टीज़ में या दिवाली वगैरह में आराम से इसको पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। तो ये प्लेन स्कर्ट है घेर वाली बढ़िया सी, एंड देन उसके साथ में इसी तरीके का इसमें प्लेन सा दुपट्टा है, एकदम ही प्लेन है। तो आप इसको प्लीट्स डाल करके अगर पहनोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा साथ में। तो ये है, और उसके साथ में इसका क्रॉप टॉप बहुत अच्छा है, मुझे क्रॉप टॉप इसका बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, तो इसकी फिटिंग वगैरह मुझे मालूम नहीं है, ट्राई ऑन में आपको दिख ही जाएगा, बट इस तरीके का इसका क्रॉप टॉप है ये देखिए। अगेन यहाँ पर ये मतलब ना स्ट्रैपी है ना स्लीवलेस है, ये यहाँ पर मतलब इस तरीके से फ्रिल दिया हुआ है, तो इसका गेटअप जो है ना बड़ा ही अच्छा आता है। मैंने देखा इस टाइप के क्रॉप टॉप आजकल काफ़ी ट्रेंडी है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये है, और नेक भी आप इसका देखिए कि काफ़ी डीप नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा हल्का सा वी दिया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये इस तरीके का पसंद आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। अब इसको पहन के देखते हैं कि कैसा लगेगा, बट हाँ ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही लाइट वेट है। तो इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, बट मैं लिंक दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। मैं ना कुछ मैटरनिटी शॉपिंग भी की है, मतलब फीडिंग और मैटरनिटी से रिलेटेड, तो वो वीडियो आएगा मेरे प्रेगा लाइफ चैनल पे, ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसके शॉर्ट रिव्यूज़ जो है वो आएंगे मेरे शॉर्ट चैनल पर, तो डेली शॉर्ट्स बाय निधि करके मेरा एक चैनल है, जहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह आने ही वाली हैं सारी चीज़ों के, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, और मेरा शॉर्ट्स चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेगा लाइफ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर जगह की सारी अपडेट्स मिल सके। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा हो, तो उन सब के लिंक्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट करके अपनी साइज और अपनी पसंद के हिसाब से चीजें परचेस कर सकते हो। सो गाइज, यही था आज का वीडियो, आई होप आज का कलेक्शन आपको पसंद आया हो। इनमें से कौन सा पीस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रोडक्ट अगर कोई पसंद आता है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, और मेरे अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।